50,000 मोबाइल नेटवर्क, 5,000 ऑपरेशन प्रोसीजर्स हुए, जो विजुअली ब्लाइंड बच्चे थे उनको हम लोग ने चिन्हित किया, हम यहाँ भी चिन्हित करेंगे। उन बच्चों को हम लोग दिल्ली से जाकर कॉन्टैक्ट करवा और देश के बेस्ट आई स्पेशलिस्ट को दिखवाते हैं कि क्या उनकी ब्लाइंडनेस ठीक हो सकती है। और हर वक्त उन्होंने ये देखा, दो तीन चार बच्चों जो 30-35 आएंगे ऐसे भी करते हैं जिनको कुछ ना कुछ परसेंटेज आईसाइट वापस आती है आफ्टर सम ऑपरेशंस। इसी प्रकार कैंसर के जो पेशेंट्स आएंगे उनको गाइड किया जाएगा, हार्ट के जो पेशेंट्स आएंगे उनकी अस्पताल चेकिंग किए जाएंगे, जहां पर कम से कम 2-3 हजार सर्जरी होंगी, पर सेफ सर्जरी। हम तो कोई ऐसी चीज नहीं करते जो अनसेफ है, बेस्ट हॉस्पिटल्स पूरी सेफ्टी के साथ, अदरवाइज कोई चीज को टच नहीं करते। फिर हम लोग कहेंगे डेंजरस है, इसको आप बाहर कैंप के बाहर अच्छे अस्पताल में लाइए, पर जो भी लोग इस कैंप में हैं और गरीब होंगे इस कैंप के बाद भी उनका इनका काम निशुल्क है। ऐसा नहीं कि कैंप के साथ बंद करता है, इसमें शासन भी साथ में रहता है, रोटे भी चीजें। अब जैसे आपके पास कल आज 35 लोग आ रहे हैं पंजाब से, उस 35 में कम से कम 27-27 को डॉक्टर्स और बेस्ट वॉलेंटियर होंगे जो डॉक्टर्स को मदद करेंगे, जो राजा साहब साहब की टीम आती है। 60-70 डॉक्टर्स एक दो दिन कल तक पहुंचे जो बाहर थे, वो एक्वा एम्स के मैक्स के डॉक्टर वृंदाराम वॉटिस स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट वेदांता, सब तरफ से डॉक्टर आए और उन सब का हमने रूपी की तरफ से व्यवस्था की और वो सब आगे यहाँ पर कोई 2 दिन रहेगा, कोई 3 दिन रहेगा, कोई 1 दिन रहेगा। डॉक्टर चौबे इंडिया के फाइनेस्ट लैप्रोस्कोपिक सर्जन है, प्रदीप चौबे बहुत बड़ा नाम है, वो सर्जन पाए उनके लिए 1 दिन आना भी बहुत बड़ा है। और ग्वालियर में उन्होंने जिन्हें किया एक अस्पताल था वो 5-7-10 और ड्राइवर अंदर सर्जरी से मैंने डॉक्टर त्रिहान को भी रिक्वेस्ट किया कि 1 दिन के लिए क्या फायदे क्योंकि सबसे मौलिक थी उनकी टीम आ रही, उनका वैन आ रहा जो वैन इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और मैंने उनको भी रिक्वेस्ट किया हमारे इसी तरह हमने डॉक्टर राणा जो चेयरमैन है गंगा राव उनको रिक्वेस्ट किया। एक प्रकार से हम सबके बड़े बड़े डॉक्टर्स जो और जो बड़े बड़े अस्पतालों के जो डायरेक्टर्स हैं चेयरमैन हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं सो दैट यहाँ के पेशेंट जो वहाँ जाए तो उनको बड़े सहूलियत से प्रायोरिटी में उनका काम। ये यज्ञ इस यज्ञ में सब बराबर है, सब वॉलंटियर्स है, मैं भी वॉलंटियर हूँ, मेरी पत्नी भी वॉलंटियर है, गवर्नर की वॉलंटियर रहेगी, और उसमें साधु साहब की एक लालच है
साधु साहब की जो पत्नी है उषा जी 75 साल की उम्र थी, लाखों की 82 ईयर्स, वो किस सेवा भावना से काम करेगी आप देखा। जैसे महिला नॉर्मल जैसे 10 ही 10 होती है उस तरह से काम करेगी वो, और वो किसकी किसकी पुत्री है, मंडेलिया साहब है, ग्वालियर के जो मंडेलिया साहब होते थे गंडा साहब के रिश्तेदार, वो उनकी पुत्री है और वो उनका वो आत्मिक कनेक्ट है इस रीजन से, इसलिए साधु साहब और उनकी पत्नी इस चीज के लिए तैयार हुई और खुशी खुशी यहाँ आ रहे हैं। इसी तरह कल्याण बनर्जी सर जो रुट्टी के विश्व अध्यक्ष हैं, अभी कुछ साल पहले हमारे 100 साल के इतिहास में तीन ही भारतीय रुट्टी के विश्व अध्यक्ष हुए, एक 50 साल से पहले पहले हुए थे, फिर साधु साहब एमपी के हुए थे, वो कल्याण का भी योगदान कर रहा है, वो भी आ रहे हैं। और उनका क्या है कागज, वो खुद से नया स्कूल में पढ़े आप लोग उससे उनका आगे तो ये पूरा रोटी है और उसके साथ राशन मिल जाता है, एनजीओ मिल जाते हैं, अच्छी भावना के साथ मानव सेवा के लिए एनुअल साल ही हमारे इकट्ठा होते हैं। हम भी अपना काम छोड़ के आते हैं, हम तो अपनी पार्लियामेंट भी छोड़ के आते हैं, मंडे को पार्लियामेंट मैं बीच में चला जाऊंगा फिर लौट के आ जाऊंगा, क्योंकि हम लोगों का सब करना ये क्या होता आता है ऑब्जेक्टिव है, जितनी ज्यादा हम मानव सेवा कर सकते हैं करें, क्योंकि उसी सेवा में ही आप आपको भगवान की मैसेज मिलती है। और मैं अंत में अस्थिरता का खत्म करना चाहूंगा, ये मेरी सोच है कि कोई भी सफल व्यक्ति अगर अपनी सफलता को गरीबों के साथ आगे जाने तो वो सफलता उसके साथ बहुत मिलती है। आप लोगों के यदि किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो आदरणीय विवेक कंकर साहब से तो स्वागत है। आदर भाई साहब ने आपने पूछा था वो फाइल के टोटल किताब है, लगभग 4,000 से ज्यादा डेटा हमारे पास आ चुका है ऑडिशन के लिए, जिसमें मुरैना, भिंड, धौलपुर, श्योपुर और ग्वालियर पांच डिस्ट्रिक्ट का डेटा है। तो ग्वालियर का भी कम डेटा है, ग्वालियर का करीबन 55 ऑपरेशन है, ग्वालियर के जितना हम लोगों के ऑपरेशन है, मुरैना के लगभग 2,000 से अधिक ऑपरेशन मुरैना के, और काफी 1700 ऑपरेशन करीबन आंखों आंखों के अलग से इनके अलावा जो चालू हो चुके हैं, और भिंड से 1700 ऑपरेशन भिंड के हैं, जिसमें से 320 ऑपरेशन अलग हैं, वो ऑपरेशन की जगह पहले इन्वेस्टिगेशन हो गए, वो भी अपने आप में अलग हॉस्पिटल की आंखों का मैंने बताया था बदलना है, जो हॉस्पिटल दिल्ली में है आई पर उसकी टीम आ रही है डॉक्टर्स की, तो ये जो डेटा है और अभी तक 50,000 से अधिक लोगों को हमने विभिन्न कैंपों में जाकर परीक्षण कर चुके हैं। इसके अलावा जो इस ओपीडी में संभावित लगभग हम 2,00,000 टोटल का अनुमान लगा के चल रहे हैं, 10 से 15,000 लोग आए और उनके अंदर ऐसी तैयारियां की है, अभी विभिन्न प्रचार परीक्षण के बाद पूरी तैयारियों में देख रहे जाएंगे, ग्राउंड पे भी जाएंगे। और मेरा आपसे पत्रकार मित्रों से अनुरोध है, कल 11:30 बजे इसका उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय अरुण मिश्रा जी, माननीय विवेक जी, राजा साहब भी आ रहे हैं, कल हम राजा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप सबको आमंत्रित करते हैं। कल 4 बजे हम लोग वेन्यू पे आपकी जो रोटरी प्रदर्शन के पास प्रेजेंट है उनकी पत्रकार वार्ता कर शाम को 4 बजे वेन्यू पर रखेंगे, जहाँ मीडिया सेंटर बना रहे हैं उसी में राजा साहब से आपकी बात करेंगे। और अभी इन्विटेशन कार्ड सभी के मैं आप तक दे रहा हूँ, आप लोगों के जो बैच है वो भी मैंने यारो साहब को दे दिए हैं, सबके बैच आपको अभी प्राप्त होंगे। और एक चक्र की जैसा बात माननीय नरेंद्र सिंह जी ने कभी बात कही थी कि पॉलिटिकल लोग जो प्रेस इनको टूट और कहीं रिस्पॉन्स कीजिएगा, इनको काम दीजिए, जो भी है एक कमेटी में जितने पत्रकार मित्रों का डेटा मेरे पास आया सबको जोड़ते हुए हम लोग एक प्रबंधन समिति का आप सबको सम्मेलन करते हैं।
नंबर दिया है, आप हमें बताइए, हम उसको सुधार करेंगे। मैं आभार प्रदर्शन के लिए हमारे स्वागत अध्यक्ष आदरणीय रमेश जी का हिसाब से अनुरोध करूंगा कि आज की प्रेस का आभार प्रदर्शन करें। आदरणीय फाउंडेशन के हमारे जनरल सेक्रेटरी क्षमा चाहता हूँ, और बड़े विशेषज्ञ हैं, उनकी जब पिक्चर आया करती थी टेलीविजन पर, जब हम आप बहुत छोटे थे, अंधी गलियां करके नशे के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया, धूम फसल को सीरियल आ रहे थे, डॉक्टर हरीश भैया साहब चल रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद और अध्यक्ष महोदय फिर बधाई चुके हैं आपको। चलिए, मेरा सौभाग्य है कि मैं बिल्कुल मध्य प्रदेश का हूँ, जावरा का रहने वाला हूँ, और विवेक भाई के साथ करीब ये दसवां हमारा टाइम है, 10 वर्षों से हम लोग के साथ हैं। ये हमारा सौभाग्य है और ये मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि विवेक गंगा साहब जैसे लोग, क्योंकि हार्डकोर पॉलिटिशियन नहीं, इनको ये काम करने में ज़्यादा मजा आता है, पॉलिटिक्स भी करती नहीं है, मकान भी करते थे, अभी एम पी बन गए हैं, पर इनका जो दिल है वो इन कार्यों में, और उससे ज्यादा इनके पीछे जो हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे कोई महिला होती है, वो पीछे बैठी है आरती, अजय मुशांत साहब, तमिल मुशांत साहब की बेटी हैं, और उनका भी जैसे कि आपने मंडे साहब की बेटी के लिए बोला, इसी प्रकार विवेक भाई के साथ में हर कैंप के अंदर अगर किसी ने तन मन से बिल्कुल साथ दिया है तो आरती देखिए, आरती हमारे साथ अभी 19 ड्राइव करते हुए पूरा समय देगी, तो ऐसी महिलाओं को मैं नतमस्तक होता हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे भाई ने मुझे हमेशा मौका दिया। और मध्य प्रदेश फाउंडेशन, आपको खुशी होगी आपको मध्य प्रदेश के सब लोग, दिल्ली में एक छोटा सा एक स्थान बना चुकी है, एक जगह बना चुकी है वहाँ पे। दिल्ली में जब 3 वर्ष पहले हमने मुकेश अंबानी को बुलाया, मुकेश अंबानी ने कहा कि भारतवर्ष में मैंने पहला एक संस्था देखी है जो अपने प्रदेश से इतना प्यार करती है। मध्य प्रदेश फाउंडेशन में जब मुकेश अंबानी आए तो उनका कि मैंने ऐसी कोई संस्था नहीं देखी जो अपने प्रदेश के लिए इतना सोचते हैं, ये क्रेडिट आती है विवेक तंखा। विवेक तंखा ने मध्य प्रदेश का जो स्थान दिल्ली ने हम लोगों को दिलाया है, जो हमको सम्मान दिलाया है, वो भाई विवेक तंखा के कारण है, और मैं उनको नतमस्तक होता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, और हम आप भी बता देंगे कि आप हफ्ते भर के कैंप के बाद फिर से कहेंगे कि अगला कैंप भी यहीं लगाएंगे। मंडला वाले हमारे पीछे पड़े रहते हैं कि हमारे फिर लगाएंगे, जहां जहां भी विवेक भाई की अध्यक्षता में अभी कैंप किए वो ये बता दें कि आपको वहां से फिर से डिमांड है। पिछली बार हमने 1 लाख 10-20 लाख मरीज देखे शेड्यूल में, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ कम से कम 1.5 लाख मरीज देखे जाए, और आप अपना लोग उसको काफी साथ दे सकते हैं, जिससे कि जनता को पता चले कि ऐसा कैंप लग रहा है, सुविधाएं दिल्ली की पूरे देश की और विदेश के डॉक्टर भी यहाँ पर दे रहे हैं। इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ भूपेन जैन साहब को, मुबारकबाद देता हूँ इस वंडरफुल ऑर्गेनाइजर, और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद। धन्यवाद। आदरणीय रमेश भाई साहब, सब लोग आप सबका आभार प्रदर्शन। ये रोटरी मेडिकल मिशन में आज हमारे बीच उपस्थित हमारे आदरणीय राष्ट्रपति कंखा जी, आदरणीय डॉक्टर भल्ला जी, आदरणीय डॉक्टर किरण गंगवाल काका जी, आदरणीय भूपेन जी, आदरणीय राजेश जी, आदरणीय मंचा जी, सभी सम्मानीय भाई पत्रकार बंधुओं, दिल्ली से इस मिशन में सेवा आप सब हमारे हुए मिसेज धनुका, और भी जोधपुर से, बीकानेर से, अलवर से, जो भी हमारे रोटेरियन साथी यहाँ पधारे हैं, उन सबका मैं इस मोरेना की धरती पर सम्मान करता हूँ, सत्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यह मिशन रोटरी इंटरनेशनल एवं गंगा फाउंडेशन के साथ में हमारे मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से जिला मोरेना के प्रशासन का इसमें विशेष सहयोग है, माध्यम से यह मिशन हमारे मोरेना जैसी छोटी सी जगह पर इतना बड़ा मिशन हो रहा है, उसमें मेरा खासतौर से जैसा कि आप लोगों ने आदरणीय अभी जी के विचार सुने, आदरणीय गंगा जी, आदरणीय
राजा साहू साहब ये लोगों के जो सेवा भाव की जो विचार है और उसी की वजह से ऐसी छोटी छोटी जगहों पर इतने बड़े मेडिकल के कैंप लगते हैं। हमारे मुरैना चंबल संभाग में जहाँ की मेडिकल की फैसिलिटियाँ बहुत कम है, हम लोगों को सौभाग्य है इसमें देश के बड़े बड़े नामी डॉक्टर दिल्ली से, चंडीगढ़, पंजाब से, मुंबई से और भी कई जगह से आ रहे हैं। तो हम लोगों को भी इसमें अपना पूर्ण आत्मीय सहयोग करना चाहिए। आज बहुत समय पत्रकार भाई से निवेदन करना चाहूंगा, अभी मैं दो तीन दिन से देख रहा हूँ, वैसे तो ये मिशन की तैयारी पिछले तीन चार महीने से चल रही है और ग्रामीण इलाकों में भी जा करके वहाँ पे अपने जो है मरीजों को चिंतित करके यहाँ पर लाया जा रहा है, पर पता नहीं क्यों उसमें फिर भी प्रचार प्रसार का कुछ कमी रह गई। अभी जा करके बहुत सारे मरीज हम लोगों से डायरेक्ट संपर्क कर रहे हैं जो कि आसपास बहुत दूर नहीं 5-7 किलोमीटर के रहने वाले लोग हैं, बोले हमको पानी नहीं पड़ पाया, हम उस पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए। तो पहले तो मैं आदरणीय भूमि जी से भी कहूँगा ऐसे जितने भी मरीज आ रहे हैं उनके लिए हम लोग एक बार कम से कम और कुछ नहीं वो चेकअप की व्यवस्था तो करें, ऑपरेशन नहीं भी यहाँ पे कर पाए अभी इस कैंप के अंदर उनका चेकअप करके हमको तुरंत मतलब आगे जैसा कि हम लोग मिलकर करेंगे जो भी व्यवस्था उभरती हुई। तो मतलब हम लोग सभी यहाँ की वजह को इस विषय में पुराना समाज की सभी समाज से भी संस्था लगी है और फिर भी मैं एक बार फिर अपनी तरफ से इस बात का निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा, इसमें इस मिशन के अंदर हम एक मेरा पहला निवेदन तो बस यही रहेगा आप लोगों से थोड़ा राजनीति से अलग हटकर के सेवा भाव से हम इस मिशन पर काम करेंगे तो हमको जो बहुत बड़ी सफलता मिलेगी और हमारे मुरैना के इस ग्रामीण अंचल को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इसी के साथ में आए हुए सभी अतिथियों का पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, धन्यवाद। हमारे चंबल की पहचान पूरे देश में है, पूरी दुनिया में, लेकिन नकारात्मक पहचान हमारी बनी हुई है जबकि इस धरती पे बहुत ही सकारात्मक है। हमारी प्राकृतिक धरोहर, हमारी ऐतिहासिक धरोहर, हमारी संस्कृति जिसके बारे में लोग बहुत ही कम जानते हैं, ये बहुत बड़ी यज्ञ है, सेवा का एक मौका है जो हम लोगों को मिला है संत साहब की मदद से, सूत्री की मदद से। हम लोगों को यहाँ सौभाग्य मिला है कि हम इतने बड़े डॉक्टरों की टीम के साथ जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा कर पाए। इसी के साथ साथ एक प्रयास यह भी हम लोग करना चाहते हैं कि जितने भी डॉक्टर्स बाहर से आ रहे हैं उन सबको हमने दो रूट प्लान किए हैं, एक चंबल के बिहारों में उनका भ्रमण कराकर उन्हें चंबल में भोजन कराई जाए और दूसरा एक रूट प्लान किया है जिसमें मिताब्दी, पढ़ाब्दी, पटेश्वर और शनिदेव के प्राचीन मंदिर के दर्शन कराए जाए। तो जो भी डॉक्टर्स उनसे पहले से बात कर ली जाएगी इच्छुक हैं उन्हें स्थानों पर भ्रमण कराना, यहाँ की संस्कृति से परिचित कराना, उन्हें सम्मान देना, उनके भोजन की व्यवस्था उन्हें कराना, ये भी इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप सब लोग इसमें भी सहयोग करें ताकि जो भी लोग आए मन में एक विचार लेकर जाएं। उन्होंने कैंप तो बहुत किए होंगे, बहुत बड़े बड़े कैंप में उन्होंने गए होंगे, कई तो बाहर गए होंगे, पर इस तरह से लोगों से जुड़कर वहाँ की लोकल संस्कृति को महसूस करने का मौका भी उनको देने का प्रयास है। जैसा कि अभी आप सबको बताया कि आदरणीय भाभी जी के पूज्य पिताजी कर्नल अजय नारायण की विश्वास साहब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और बहुत ही उस समय प्रदेश के श्रेष्ठतम कैबिनेट मंत्रियों में आपको आदर से नाम दिया जाता है।
एक बात में दिव्य पैसा में और राकेश जी ने कहीं प्रेस की ओर बता दो दिव्य भैसा एक मेरे मन में विचार था कि मैं राकेश जी से काम कर सकता हूँ। तो मैं 15 जनवरी को दिल्ली में बिना भाई साहब ने भला साहब को ऑर्गेनाइज किया था जिसमें ये कितने डॉक्टर आने वाले प्रदीप चौबी जी के घर पर डिनर था। मैं और डॉक्टर राकेश मिश्री और गए थे तो डॉक्टर क्वेश्चन करते थे हम लोगों से जो पर्चे आप करा देते भला साहब करा देते यार वो चंबल में पान तो नहीं है दांतों की समस्या तो नहीं है बस। तो इसके बाद अब मैं आप सबको धन्यवाद।